أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. मैं जब 9 क्लास में था ना तो हम फिजिक्स पढ़ते थे, तो उस फिजिक्स में कुछ इक्वेशन थी एक्सेलरेटर, यानी इसरा कहते हैं उर्दू में इसको, एक्सेलरेशन को, कि अगर आप एक मुसलसल स्पीड से चलते चले जा रहे हैं. हमने थोड़ा पढ़ा मगर खानदानी तरीके से पढ़ा, क्योंकि नकल नहीं करते थे ना, और ऐसे टीचरों से हमारे भाई ने हटवा दिया जो रट्टे लगवा रहे थे. थोड़ा सा पढ़ा मगर क्या पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी. तो वो आप मिसाल के तौर पर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप मुसलसल चले जा रहे हैं, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है उसका रेशो क्या है, 0 है. ये बात आज 9 क्लास के तलबा को मालूम, बोलो भाई नहीं है. वो कह रहे इतनी स्पीड से जा रहे फिर भी 0, भाई बढ़ नहीं रही स्पीड. मैं क्या करता था, जब हमने फिजिक्स की इक्वेशन पढ़ी ना कि प्रोजेक्टाइल हरकत क्या होती है, 45 की डिग्री से फेंका जाए तो दूर से दूर जाएगी, फिर इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हम चलेंगे तो फिर यहाँ इतनी देर में वहां पहुंचेंगे, तो ये कैलकुलेशन हम पढ़कर फिर अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में इसको मैं अपने तौर पर अप्लाई करता था. हमारी फुफ्फो रहा करती थी शाह फैसल कॉलोनी, हम जाया करते थे D8 में. उस वक्त D8 एक मजदा थी, अब तो W11 का नाम बहुत है. तो जब वो D8 चलती थी मैं उसके मीटर को देखता था और अंदाजा लगाता था ये कितने किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रहा है, और फिर मैं उसका रेशो निकालता था कि कुछ देर इतने किलोमीटर, कुछ देर इतने किलोमीटर. तो फिर नतीजा क्या निकलता, जब हम वहां पहुंचते ना शाह फैसल कॉलोनी, तो मैं उसकी रफ्तार से फिर फासला निकालता था बैठ के, कि इसका मतलब है कि हमारे घर से हमारी फूफो घर कितने किलोमीटर है. और ये बहुत आसान है, लेकिन आज 9 क्लास के किसी तालिबे इल्म को आप कहो वो कहेगा कैसी पागल, मैं कोई अमेरिका का साइंसदान थोड़ी हूं. वो कहेगा मैं मुझे क्या साइंटिस्ट समझा हुआ है भाई. ये इक्वेशन तो हर जगह अप्लाई होती है ना, इतनी माजरत के साथ, सबकी सब ऐसे नहीं है भाई, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, इतने बेवकूफ हैं वो समझते हैं कि ये जो फिजिक्स में फॉर्मूला लिखा है ना ये इम्तिहान में जो सवाल आएगा ना उस पर तो अप्लाई होगा, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं. फिर हमने जब दायरे की इक्वेशन पढ़ी ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ी, तो मैंने फिर जमीन का जो पूरा महवर है वो निकाला कि जमीन कितनी, यानी अगर हम जमीन को नापे ऊपर से तो कितनी होगी वो. फिर मैंने ये निकाला बैठ के कि जमीन कितने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, बोलो भाई, घूम रही है. तो मैं अपने इस तलबा को कहा करता था कि हम, फिर मजाक करता था मैं उनसे, मैं कहता अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, अभी हम यहां नहीं है, 7 किलोमीटर आगे जा चुके हैं, जमीन तो घूम रही है ना. कहते क्यों भाई, हम तो वहीं खड़े हुए हैं. कहते भाई वहीं खड़े हुए थे, अब वहीं खड़े हुए, क्योंकि जमीन 24 घंटे, जब आपने जमीन का महवर निकाल लिया कि इतना है, फिर आपने ये भी निकाल लिया कि 24 घंटे में जमीन इतने किलोमीटर फासला तय करती है, तो जमीन की स्पीड सामने आएगी कि नहीं आएगी आपके. यार क्या मसला हो गया यार, आएगी ना इस, जब आपको फासला भी पता चल गया कि कितना है और ये भी पता चल गया कि टाइम कितना लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं जमीन को, हम जिस पॉइंट पे अभी खड़े हुए हैं 24 घंटे बाद घूम के दोबारा वहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, तो दो बातें पता चल गई, तो तीसरी बात निकालना तो बहुत आसान है ना. तो फौरन पता चल जाएगा कि हम 1 मिनट में कहां होंगे और 1 सेकंड में कहां होंगे. तो ये कैलकुलेशन करके मैं अपने जो क्लास फेलोज थे उनको बताता था कि 1 सेकंड बाद हम इतने किलोमीटर आगे जा चुके होंगे. कह रहे नहीं, हम वहीं खड़े हुए हैं. तुम मखनचू हो, मखनचू के मखनचू ही रहोगे. उनसे मैं कहता था कि तुम क्या हो, मखनचू हो और मखनचू के मखनचू ही रहोगे. ये स्कूल में हमारे तालीम का हाल है कि फिजिक्स की इक्वेशंस पढ़ पढ़ के ये नहीं पता हो, ये बात समझ में नहीं आ. वो समझते ही मुझे कहते तो तुम साइंसदान हो, मुझे वो लड़के कहते, मैं कहता भाई हमें तो, वो कहते तुम साइंसदान हो, बहुत बड़ी तुम्हारी क्या है, तहकीक है. मैं कहता तहकीक क्या, ये इक्वेशन लिखी हुई है सामने, लिखी हुई है, इससे साफ पता चल रहा है, अभी तुमने खुद फॉर्मूला हल किया है. तो ये स्कूलों का जो हमारा सिस्टम है ना, वो साइंटिस्ट पैदा कर ही नहीं सकता, जो इक्वेशन रट्टा लगा के भी जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो. अच्छा फिर हम ये भी हिसाब लगाया हमने
कि यार अगर हम एक सेकंड में इतना फासला इस कायनात में तय करते हैं, फिर जमीन आपको पता है सूरज के गिर्द भी घूम रही है, कि भाई ये जमीन जो सूरज के गिर्द घूम रही है ना, ये कितने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। फिर ये दिल में ख्याल आया। अब तलबा मुझे कहते थे कि यार इम्तिहान की तैयारी करो, पढ़ो, रट्टा लगाओ, ये क्या फजूल चीजें लेके पढ़ो। मैं कहता भाई यही तो है, इसमें तो मजा है। तो हमने क्या किया, तलबा को छेड़ना शुरू किया। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि ये जो जमीन है, एक तो हम घूम रहे हैं इतनी स्पीड से, तो इस कायनात में हम जो सूरज के गिर सफर कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, हम जो जमीन हमें धक्का लेके खला में दौड़ रही है उसकी भी ठीक ठाक स्पीड है, वो भी कहीं हमने निकाली थी एक सेकंड में इतना इतना आगे तक भाग जाती है, तभी 360 दिनों में घूम के वापस आ जाती है। तो ये तो कोई साइंटिस्ट की बात नहीं है, आप में से अक्सर लोग समझते होंगे ये अच्छा गुमान है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स को ये चीजें क्यों नहीं आती, इसलिए कि जो टीचर्स हैं वो ईमानदारी से बोलो भाई नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं है। मैथमेटिक्स के तालिब इल्म का हाल देखें आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मौलवियों की खराबी नहीं है, ये आपका अपना सिस्टम खराब है। इस सिस्टम में साइंसदान पैदा, इसमें कोई इंसान का बच्चा पैदा हो जाए ये भी बड़ी गनीमत है, इस पे शुक्र अदा करो कि क्या पैदा हो जाए। क्योंकि वो जब वो टीचरों को देखता है कि धांधलियां कर रहे हैं तो टीचर से क्या सीखता है, करप्शन सीखता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वेव आइकन को भी दबाएं।